क्वेश्चन में आज एक चैप्टर देखेंगे, वो भी एवरेज का। इसके पहले मैंने परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और फिर CI, SI ये चारों चैप्टर हो चुके हैं लेसन, और आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज, जो कि आपको NTPC एग्जाम के लिए मैं तैयारी करवा रही हूँ। प्रत्येक डेली टेस्ट भी होता है, रीजनिंग का भी होता है बीच बीच में, और फिर GK का भी होता है। तो आज मैं सिर्फ चैप्टर पढ़ा रही हूँ। तो एवरेज से चलिए देखते हैं, जिसे कि कहा जाता है औसत। तो चलिए औसत से पहले कुछ जो मेन जो भी मुख्य बातें हैं वो हम लोग जान लेते हैं कि औसत कहते किसको है, एवरेज क्या है। तो जैसे कि आपको अगर कुछ संख्याएं दी जाती है कि 2, 5, 8, 10 और कहा जाता है कि आपको इसका आप एवरेज निकालिए। एवरेज मीन्स क्या होता है, बिल्कुल मीड पॉइंट आपको आप कह सकते हैं इसे। तो आपको एवरेज निकालनी होती है। तो एवरेज के लिए आप क्या करोगे, सारी संख्याओं को ऐड करेंगे, उसके बाद फिर बटे जितनी संख्याएं दी गई है उससे हम उसे डिवाइड कर देते हैं, तो निकल जाता है हमारा एवरेज। जैसे कि यहाँ हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 + 5 + 8 + 10, उसके बाद कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4। हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी इसे सॉल्व करने के बाद आएगा वही कहलाएगा एवरेज। तो एवरेज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो बताने से पहले जो बेसिक से क्वेश्चन है, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, पहले हम लोग उन क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उससे थोड़े से ऊंचे लेवल, फिर धीरे धीरे करके उस तरह से मैं बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले इसका एवरेज का मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला। औसत बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग और बटे सभी संख्या, यानी कि संख्याओं की संख्या कितने नंबर है वो आपको लिखना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया पहले ही। फिर अगर मान लिया जाए आपको दिया गया है कि औसत दे दिया गया है और कितनी संख्या है वो दे दी गई है, अगर आपसे पूछा जाए कि योग कितना होगा कुल, तो कुल योग बराबर आप लिख सकते हैं। देखिए ये आपको निकालना है योग, तो यहाँ पे देखिए क्रॉस में ये मल्टीप्लाई होगा, यानी इसके लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, औसत और गुने जितनी भी संख्याएं दी गई है। जैसे कि अगर कहा जाए कि 5 संख्याओं का औसत अगर 15 दिया गया है, तो आप संख्याओं का योग निकालें। तो संख्याएं कितनी हो गई, 5, और औसत दे दिया गया है 15, तो योग के बराबर क्या हो जाएगा, औसत और गुने संख्या, यानी कि 75 हो जाएगा टोटल संख्याओं को जोड़ने के बाद उसका कुल योग। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब चलते हैं इस पे आधारित क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कहता है कि प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी होते हैं आपके, तो ये प्राकृत संख्याएं हैं। अब इसमें कहता है कि 80 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। तो औसत के लिए एक सबसे बिल्कुल बेसिक सी बात मैं आपको बताती हूँ, जिससे कि करीबन सारे क्वेश्चन इसी पे सॉल्व होते हैं। कुछ क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे, क्योंकि उसका कोई ट्रिक नहीं होता, डायरेक्ट आपको वो फॉर्मूले के रूप में ही वो ट्रिक दिया गया है। लेकिन जो मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगी इस पर करीबन एवरेज के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आप याद रखिए एक चीज़, एवरेज निकालने के लिए इसके लिए फॉर्मूले भी होते हैं, प्राकृत संख्या बराबर n वगैरह करके जो फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं फॉर्मूला नहीं बता रही हूँ यहाँ पे। आपको करना क्या है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे कर देना है 2। करीबन जितने भी एवरेज के क्वेश्चन हैं सारे आपके इस टाइप के कि 80 प्राकृत संख्या या फिर सम संख्या, इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो आपका इससे आंसर आ जाएगा। कुछ के लिए फॉर्मूले लगाने होंगे जो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए ये रूल कब फॉलो करेगा, जब दी गई संख्याएं के बीच अंतर समान हो। जैसे कि प्रथम 80 प्राकृत संख्या, तो जैसे 1, 2, 3 इस तरीके से जाता है, आपका बढ़ता जाता है। तो अंतर जो है सबके बीच कितने का है, 1-1 का ही अंतर है। तो इसीलिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, पहली संख्या कौन सी हो गई, 1, अंतिम संख्या क्या हो गई, 80, ओके, और बटे कर देंगे हम 2। तो यहाँ हो गया 81/2, जिसे सॉल्व करेंगे तो 40.5 आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से देखा आपने कि बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। आगे दिया गया क्वेश्चन कहता है लगातार 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। अब आपको जो है इसके लिए फॉर्मूला याद रखना होगा, दो के लिए एक वर्ग और घन का जो पूछा जाता है इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। तो जैसे ही कहा जाए कि n तक की प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत यानी कि स्क्वायर का औसत, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। तो अब इस पर रख के हम इसे सॉल्व करते हैं। n का मान कितना है 20, 1 प्लस कर दिया हमने, फिर 2n यानी 2 इंटू 20 और प्लस 1 बाय 6, यहाँ पे हो जाएगा 21 और ये 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40 और प्लस 1 तो 41 हो जाएगा बाय 6। 3 से आप इसे कट कर सकते हैं 2 टाइम में, इसे 7 टाइम में। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 287 बाय 2। इसे पॉइंट में ला सकते हैं तो 143.5 ये आ जाएगा इसका एवरेज कि लगातार 20 तक की प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा, तो ये इतना हो जाएगा। अगर आप थोड़ी आदत लग जाएगी आपको ये बनाने की, 2-4 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये भी इजी लगने लगेगा कि 20 तक की प्राकृत संख्या के वर्ग का बोला तो चलो 20 में एक आपको ऐड करना है 21 और गुने फिर 2 गुना करके आपको ऐड करना है 1 और बटे 6 बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि प्रथम 16 प्राकृत संख्या के घनों का औसत, वो था वर्ग और ये है क्यूब, यानी वो स्क्वायर वर्ग था और ये घन है क्यूब। तो कहता है आपको इसके लिए फॉर्मूला लगाना होगा n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4, इसी पे हम लोग पुट कर देंगे। तो n का मान 16 हो जाएगा इंटू 16 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 17, तो 17 का कर दिया हमने स्क्वायर और बटे 4। 16 इंटू 17 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 289 बाय 4। इसे कट कर दें 4 टाइम में। अब इसे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1156 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कहता प्रथम 51 प्राकृत सम संख्याओं का औसत, यानी कि इवन नंबर ऑड नंबर जो आता है तो ये इवन नंबर का पूछा जा रहा है कि सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब इसमें कभी कभी स्टूडेंट को क्या होता है कंफ्यूजन रहता है कि कभी पूछ दिया जाता है, जैसे इसमें पूछा जा सकता है, यहाँ पूछा है 51 प्राकृत सम संख्या का औसत और पूछ देगा कि 51 तक के प्राकृत सम संख्या का औसत, तो दोनों में अंतर है और इन दोनों क्वेश्चन में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को। तो ये बताने से पहले अब मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बता देती हूँ, तब फिर ये बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि लगातार 46 तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 46 तक ना कि बोला गया है 46 सम संख्याओं का औसत, तो 46 तक का मतलब है कि पहला सम संख्या जो होता है क्या होगा 2 और इस तरह से फिर 4 इस तरह से करके लास्ट आया है 46। तो ये टोटल संख्याओं का आपको निकालना है औसत, क्योंकि सम संख्या की बात कही गई है, इसीलिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से 46 तक। तो मैंने क्या बताया इसमें भी चूंकि सम संख्या है लगातार तो सभी के बीच अंतर भी इक्वल रहेगा। जब अंतर इक्वल रहेगा तो आपको सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या, तो पहली संख्या 2 और अंतिम संख्या 46 और बटे कर देना है आपको 2, तो 48 बाय 2 ये कट जाएगा कितने टाइम में 24 टाइम में ये कट जाएगा, तो इसका हो जाएगा ये एवरेज आंसर। अब चलते हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में। यहाँ क्या कहा गया 51 तक नहीं कहा गया, यहाँ कहा गया 51 प्राकृत सम संख्याओं का औसत। अब पहले एक चीज़ समझ लीजिए तब आपको शायद अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा तो अब क्या करना है यहाँ पे, जैसे समझिए यहाँ पे अगर मैंने कहा कि 10 तक के सम संख्याओं का औसत आपको निकालना है, 10 तक मीन्स कि 10 के आगे नहीं बढ़ना है आपको, 10 तक में ही, तो 2, 4, 6, 8 और 10 ये हो गए हमारे 10 तक के। अगर हमने कहा कि 10 तक नहीं 10 सम प्राकृत संख्या, अब 10 प्राकृत सम संख्याओं का औसत, 10 तक नहीं कहा यहाँ पे 10 कहा गया, तो 10 के लिए आपको ऐसे लिखना होगा पहली संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए 10 जो है सम संख्या, और ये जो ऊपर वाला हो गया ये 10 तक की सम संख्या। ओके, दोनों में अंतर आपको समझ में आया। तो यहाँ पे जैसे ही देखा आपने कि 10 तक की सम संख्या, ये तो नॉर्मल था छोटा, तो मैंने स्टार्ट से 2 किया और 20 तक लिख दिया, लेकिन 100, 101, 150 ऐसा अगर कहा जाए तब आप क्या करेंगे। अब यहाँ पे भी एक चीज़ें और समझ लीजिए, जैसे कि अगर मैंने ये नहीं लिखा होता ये वाला पार्ट और कहा जाता कि 10 समप्राकृत संख्या का औसत निकालना आपको, तो हम क्या करते, चूंकि जैसे ही 10 संख्या आप लेंगे सम, तो एक अंक को छोड़कर एक अंक को छोड़कर एक अंक ऐसा आप लेते हैं, क्योंकि 2-2 का अंतर रहता है। तो आप कहाँ तक चले जाएंगे, 2-2 का अंतर होने के कारण 20 तक चले जाएंगे आप, 10 दूनी 20, और देख लीजिए यहाँ पे 20 तक आए हैं ना आप, तो इसी तरीके से आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे समझिए 51 प्राकृत सम संख्या, 51 गिनती में होना चाहिए 51 सम संख्या। तो 51 सम संख्या लाने के लिए आप, जबकि 2-2 का अंतर हो जाएगा, तो यहाँ 2 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा कि कहाँ तक जाएगा ये, तो 2 और ये 10, यानी 102 तक चला जाएगा, तभी आपको 51 प्राकृत सम संख्या मिलेगी। अब क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 102 तक में, तो सबसे पहली सम संख्या कौन सी होगी, 2, और अंतिम सम संख्या कौन सी होगी, 102, और बटे कर देंगे 2, बस 104 और बटे 2, ये कट जाएगा 5 टाइम में और ये 2 टाइम में, तो 52 हो जाएगा इसका आंसर। तो आई थिंक आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, 51 तक कहे तो कैसे निकालना है और 51 कहे तो कैसे निकालना है। ओके, अब चलते हैं आगे। यहाँ पे कहा गया, कहता है प्रथम 12 तक के सम संख्या के वर्गों का औसत। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, वर्गों का औसत, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए 12 तक के सम संख्या के वर्गों का औसत, इसके लिए फॉर्मूला, वर्गों के लिए जैसे बोले तो फॉर्मूला लगाएंगे n+1 × n+2/3। अब इसी पे पुट करके हम आंसर कर लेंगे। तो 12 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13, और 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, और बटे 3, अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे इसे, तो 182 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके बटे 3। इससे जब आप पॉइंट में लाएंगे तो कुछ इस तरीके से आता चला जाएगा, तो हम लगभग में इतना आंसर कलर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कहता है कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 15, अब बात आ गई यहाँ क्या, मैंने जैसे कि सम में आपको बताया था कि 15 और 15 तक ये 2 चीज़ें आती है, यहाँ पे भी वही चीज़ें आई, 15 विषम संख्याओं का औसत और फिर एक आ जाएगा जैसे कि 15 तक के विषम संख्याओं का औसत। तो इसके लिए भी मैं पहले इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे देखिए कहा गया कि 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत। विषम संख्या मीन्स क्या, जैसे 1, 3, 5 ये हो गई विषम संख्या, और इनके बीच भी सभी के बीच अंतर समान होता है, 2-2 का अंतर होता है सभी में। तो 100 तक यानी कि 1 से लेकर के 100 तक में, इस बीच में जितनी भी विषम संख्याएं आएंगी आपको उनका औसत निकालना है। तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो पहली विषम संख्या 1 और अंतिम वाली विषम संख्या कौन सी हो जाएगी 99, और बटे कर देंगे हम इसे 2, ऐड होके 100 हो जाएगा बटे 2, आंसर कितना आ जाएगा 50। ओके, अब इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, प्रथम 15 विषम संख्या, तो 2-2 का अंतर है, तो 15 विषम संख्या लेने के लिए ये कहाँ तक जाना होगा हमें, यानी कि 30 तक आपको जाना होगा। तो 1 से लेकर के 30 तक में जितनी भी विषम संख्या है उसका औसत। तो पहली संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी 1, और अंतिम विषम संख्या कौन सी हो जाएगी 29, और बटे कर देंगे हम 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 30/2। यहाँ पे इसे जब हम करेंगे तो 15 आ जाएगा हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है प्रथम 10 तक के विषम संख्या के वर्गों का औसत बताएं। तो अब यहाँ पे भी आपको एक फॉर्मूला याद रखना, बस 2-3 क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी के लिए वही पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे 2 वही सबसे बेस्ट है, और आप सारे चीज़ उसी पे बन जाएंगे। तो चलिए इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, n × n+2/3। ओके, n का मान अब क्या लेंगे 10 बिल्कुल नहीं लेंगे, अब यहीं पे गलती करते हैं स्टूडेंट कि अब फॉर्मूले तो याद सही रखते हैं लेकिन वो n की जगह 10 को ही रख के और आंसर निकाल लेते हैं, जो कि ये गलत हो जाएगा। जब यहाँ 10 क्या है, आपका इवन नंबर है, सम संख्या है, लेकिन पूछी जा रही है आपकी विषम संख्या के बारे में, तो आपको 10 नहीं लिखना होगा, आपको 10 के पहले जो विषम संख्या है उसे लिखना होगा। तो यहाँ पे नोट, चाहे तो आप लिख सकते हैं, आप लिख के नोट भी कर सकते हैं कॉपी में, कि अगर n सम संख्या या फिर विषम संख्या की बात की जाएगी और उसके वर्ग का औसत आपको निकालना होगा, तो और ऐसा है कि n का मान सम या विषम में नहीं है, यानी कि अगर सम संख्या का वर्ग कहा जाए लेकिन विषम में दिया हुआ है, और अगर विषम का कहा जाए लेकिन सम दिया गया है, तो ऐसे कंडीशन में आपको उस संख्या के पहले वाले सम या विषम संख्या को लेना होगा। तो यहाँ पे n का मान हम लेंगे 9, 9 इंटू 9 और 2 कितना हो जाएगा 11/3, इसे कट कर देंगे 3 टाइम में, तो 33 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि जैसे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो कि एक और स्वयं से भाग लगे, उसे ही हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि आपका 2 हो गया, 3, 5, ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, ये सिर्फ एक से कटती है या फिर स्वयं से कटती है, बाकी किसी से भी नहीं। तो जब अभाज्य संख्याएं की बात की जाती है तो 1 से 10 तक में अभाज्य संख्याओं की जो संख्या है वो अलग है, फिर आप अगर 11 से 20 तक की बात करें तो वो भी अलग है, इसीलिए इसका कोई ट्रिक नहीं निकाला जा सकता, वो आपको काउंट करके ही लिखना होगा। तो 5 अभाज्य संख्याएं की बात कही गई है, तो चलिए लिखते हैं। प्रथम अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3, 5, 7 और हो जाएगा 11। तो ये 5 संख्याएं हो गई और बटे हम डिवाइड कर देंगे 5 से, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 28/5, कट करने के बाद 5.6 आ जाएगा हमारा आंसर। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, और आगे की भी वीडियो मैंने बेसिक इसलिए बताया क्योंकि कुछ न्यू स्टूडेंट भी हैं जिन्हें कि बेसिक जानकारी नहीं है, तो अगर वो ये वीडियो देखते हैं उसके बाद फिर मैं आगे, चूंकि सारे लेवल क्या होगा दिन ब दिन मैं टफ करते जाते हूँ, और मैं शुरू से ही आदत है मेरी कि पहले मैं बेसिक चीज़ें बताती हूँ, फिर धीरे धीरे करके लेवल को इंक्रीज करती हूँ ताकि स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये वीडियो अगर आपने देखा तो आपको आगे की सारी वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी। एंड वीडियो को अगर पसंद आया तो कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।